में कांग्रेस की किसान पॉलिटिक्स एक बार फिर से देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस का किसान जन जागरण अभियान शुरू हो गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शुरू किया है अभियान। तो किसानों के मुद्दे पर प्रियंका ने बीजेपी पर निशाना साधा है। देश का अन्नदाता हमारी प्राथमिकता है। तो एक बार फिर से अन्नदाताओं के प्रति प्रेम कांग्रेस का छलकता हुआ नजर आ रहा है। और अब ट्वीट के जरिए उन्होंने एक बार फिर से किसान के हित साधने की कोशिश की है। तो यूपी में कांग्रेस की किसान पॉलिटिक्स जो है वो एक बार फिर से देखने को मिल रही है। तो ये वो ट्वीट जो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया। उप कांग्रेस कमेटी ने किसान जन जागरण अभियान शुरू किया है। देश का अन्नदाता हमारी प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने किसानों के साथ हर मोर्चे पर छल किया। आज किसान का को फसल का दाम नहीं मिलता, खेतों की लागत बढ़ गई है और उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाता। ये दूसरा ट्वीट है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किसान जन जागरण अभियान शुरू किया है। देश का अन्नदाता हमारी प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार ने किसानों के साथ हर मोर्चे पर चल किया। आज किसान को फसल का दाम नहीं मिलता है, खेती की लागत बढ़ गई है। तो एक बार फिर से इस ट्वीट के जरिए कांग्रेस का प्रेम अन्नदाताओं के प्रति चल का है। तो लगातार जिस तरह से ट्विटर के जरिए प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी नजर आती हैं, एक बार फिर से उन्होंने अन्नदाताओं का हित साधते हुए प्रदेश सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है किसान हर मोर्चे पर अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है और हमारी प्राथमिकता देश का अन्नदाता। नेता कांग्रेस प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद जी स्वागत है आपका R9 टीवी में। प्रमोद जी आप सुन पा रहे हैं? या, बिल्कुल। और एक बार फिर से जो आपकी पार्टी की तरफ से प्रेम यहाँ पर छलका है, किस तरह से देखते हैं इस अभियान को कि कितना हित साथ पाएंगे? क्या चलता है हमारी पार्टी की तरफ से? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है जिसमें यूपी में जन जागरण अभियान चलाने की बात यहां पर कही गई है, जहां डोर टू डोर जाकर किसानों के हित की बात यहां पर करते हुए इस अभियान के जरिए नजर आएंगे। और साफ तौर पर कहा है कि अब कहीं ना कहीं योगी सरकार में किसानों ने अपने आप को हर मोर्चे पर छला हुआ महसूस किया है। योगी और मोदी सरकार जी ने किसानों को वादा किया था कि जब उनकी सरकार बनेगी तो उपज का दुगना मूल्य उन्हें दिया जाएगा। पर सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश का किसान छला हुआ महसूस कर रहा है, थका हुआ महसूस कर रहा है। उसे दुगना तो छोड़ दीजिए, उसे अपने उत्पादन की लागत अगर जमीन जोड़ दी जाए, जो एक पुराना आकलन है, जो स्टैंडर्ड जिसकी हमेशा से मांग होती रही है, तो उसके अनुसार दिया जाए उन्हें, तो उस फॉर्मूले के आधार पे तो उनका उत्पादन भी नहीं कर रहा है। बिजली के दाम बढ़ गए, खाद के दाम बढ़ गए, पानी उपलब्ध नहीं है जो है महंगा है, तो कुल मिलाकर किसान आत्महत्या कर रहा है। लगभग 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। तो ये सारे आंकड़े हैं जो डराते हैं, जो इस बात के लिए। अब आज का ही अखबार में सुबह देख रहा था कि एक किसान ने पहले अपने परिवार को गोली मारी, फिर अपने आप को मार लिया, इसलिए कि जो उसका कर्ज हो गया था वो दे नहीं पा रहा था। ये सारी बातें ऐसी हैं कि अगर किसान नहीं खुश रहेगा, किसान संपन्न नहीं रहेगा, तो जरा कल्पना करिए कि सब लोग अगर हड़ताल कर दे काम चल जाएगा, पर अगर किसान ने एक साल एक फसल नहीं बोई तो फिर पूरा देश क्या खाएगा जी? तो वो धरती का भगवान है और उसकी उपेक्षा ये सरकार कर रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है जी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से अगर बात करें योगी सरकार की, तो लगातार किसानों को हित साधते हुए कदम जो है वो मजबूती से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि वो हर बार कहते हुए भी नजर आते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की किसानों की 2022 तक आय दोगुना करने के लिए उसके हित में जो कदम है वो लगातार उठाए जा रहे हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? हम्म,
जो जो क्या हुआ प्रमोद जी, मैं आपके पास लौटूंगी। इसी बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी जुड़ गई हैं। अनिला जी, एक बार फिर से कांग्रेस का जो अन्नदाताओं के प्रति प्रेम झलका है, कांग्रेस महासचिव का कहना देश का अन्नदाता हमारी प्राथमिकता। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस में इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है, इतना ब्लेटेंटली अपने बात को इतना झूठ परोसकर। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि देश की आजादी से, और अगर हम आज तक का हिसाब किताब लगाएं, तो सबसे ज्यादा दल जो है, चाहे वो प्रदेशों में और चाहे वो केंद्र में, कौन सा रहा, वो कांग्रेस रहा, या कांग्रेस से निकले हुए जो रीजनल पार्टी क्षेत्रीय दल बने हैं वो रहे हैं। और शुरुआत से ही इस प्रकार की पॉलिसीज बनाई गई जिसकी वजह से ये जो किसान है वो हमेशा घाटे में रहा। कभी किसानों को इन्होंने समझा ही नहीं कि भाई इनकी भी कुछ जरूरतें हो सकती हैं। जब देश आजाद हुआ था, जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था हमारे एग्रीकल्चर का, कृषि का, वो तकरीबन 45% था, 45-50% के बीच में आता था। आज 12-13% है। क्यों हो गया? क्योंकि सारी रॉन्ग पॉलिसीज। अब इतना इन्होंने जो नासूर बना के छोड़ा हुआ है, अब उसको प्रयास कर रही है केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी, है जहां जहां हमारी सरकारें हैं प्रयास कर रही है। तो कांग्रेस जो है ना, इस प्रकार के भाषण बिल्कुल ना हमने पढ़ा है कि किसानों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, एमएसपी से लेके, चाहे किसान सम्मान निधि है, मतलब टाइम से उनका पेमेंट कराना, हर चीज पे ध्यान भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और बाकी जो प्रदेश जहाँ पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में है वहाँ ये क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज हमें तो दिखाई ना सुनाई देती है ना दिखाई देती है। तो कांग्रेस कृपया करके ये ना बताए कि किसानों के लिए बहुत ज्यादा वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं अपने दिल। बिल्कुल अनिला जी, हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, उनका एक बार हम रुक कर लेते हैं। प्रमोद जी, आप क्या कहना चाहेंगे अनिला सिंह जी को? आपने सुना होगा साफ तौर पर उनका ये कहना है कि इस अभियान के जरिए, इस तरह के बयानबाजी के जरिए झूठ परोसने का काम हो रहा है। तो लगता है संपर्क हमारा उनसे नहीं हो पा रहा है तकनीकी खराबी के चलते। मैं एक बार फिर से अनिला जी आपका रुक करूंगी, लेकिन अब जिस तरह से ये जन जागरण अभियान चलाने की बात हो रही है यूपी में, और लगातार वो कहीं ना कहीं पहले भी तंज कसती हुई इसी तरह से नजर आ रही हैं, लेकिन साफ तौर पर उनका ये भी कहना है कि हर मोर्चे पर योगी सरकार ने कहीं ना कहीं किसानों को छला है, आप इससे कितना इत्तेफाक रखती हैं? तो लगता है इनसे भी हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन एक बार फिर से यूपी में किसानों को लेकर पॉलिटिक्स जो है वो नजर आ रही है।